नहीं जाती है। चलो ठीक है, कंटिन्यू। गेट सेट गो सर। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? एशिया टेलीकॉम। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? एशिया टेलीकॉम। थैंक यू वेरी मच। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग। आज मैं अपने 12x4K यस ऑप्टिकल जूम कैमरे के साथ। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे इसमें मैंने कैमरा तो ले लिया पर पैनल किधर है, यहाँ दिखाइए पैनल किधर है। सो पैनल भी अभी आने वाला है बहुत जल्द। और ये हमने पैनल लिया है ZX मलिक से, और ZX मलिक, और ये भी हमने लिया है थ्रू ZX मलिक सर के। आप देख सकते हो उनका नंबर भी नीचे है, बहुत अच्छे रेट में आपको ये मिल जाएगा, तो आप उनको कॉन्टैक्ट जरूर करना। अभी फिलहाल इसकी अनबॉक्सिंग है और इसको हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि जब पैनल आ जाएगा तो हम इसको फिट करेंगे। फिलहाल मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए बॉक्स में इस तरह का यहाँ पे लिखा होता है सोनी का। आपको इसमें कैमरा मिलता है जिसमें 1.2 इंच का है, कॉस्मोस इमेज सेंसर लगा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है अनमैच इमेज सेंसर प्रोसेसर यहाँ पे लगा हुआ है, अनमैच इमेज सेंसर प्रोसेसर 4K और 60 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से ये कैप्चर करता है। और 12x ऑप्टिकल जूम, मतलब आप समझ रहे 12x क्या होता है। जैसे हम जूम करते हैं ना, तो जूम के बाद में 2x आता है, 4x आता है, ये 12x जूम कर रहा है यार। वाओ, वो भी एक 4K में। वाओ, क्लियरिटी एट एनी डिस्टेंस, मतलब इसका मतलब ये है कि किसी भी डिस्टेंस में क्लियरिटी आपको एक समान मिलने वाली है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 360 रोटेशन है, और PTX 4K BTM मॉडल नंबर होगा मे बी इसका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैमरे को इस तरह से बनाया गया है, और 4K और 2D एंड 3D DNR बूट्स, इंडस्ट्री लीडिंग ISP विथ द क्वालिटी ऑफ एनी वीडियो मीटिंग, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। द सुपीरियर 8.5 मेगापिक्सल कॉस्मोस इमेज सेंसर के साथ में ये कैमरा आया है। तो चलिए आइए इसके अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या है। तो देखिए आपको इस बॉक्स में पहले तो एक वॉल माउंट ओके, ये वॉल माउंट प्लेट है। सो जैसे मैंने बोला मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ और अभी फिटिंग नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा पैनल जब आएगा तो मैं तब करूँगा। और क्योंकि मलिक सर आए थे और मेरे पास, तो मैंने उनसे ये ले लिया है। दूसरा यहाँ पर आपको मैनुअल मिलेगा, यूज़र मैनुअल, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आपको देखिए केबल मिल रही है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको केबल मिलेगी, तो USB 3.0 ये केबल है, आप देख सकते हो। और USB 1 से USB 3.0 यहाँ पर केबल आपको देखने को मिलेगी। और इसका अडेप्टर, पावर अडेप्टर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बेसिकली। और साथ में ये पावर केबल आपको देखने को मिलेगा। तो तीन चीज़ आपको इसको देखने को मिलेगी। केबल की क्वालिटी भी अच्छी है, और आप चाहें तो सभी और अच्छी क्वालिटी में लगा सकते हैं, बट केबल की क्वालिटी अच्छी है। और मीटर लेंथ भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, मतलब हम बहुत ज़्यादा दूर तक यूज़ कर सकते हैं। मे बी ये 5 मीटर लेंथ मुझे लग रहा है, है ना, वो भी हो सकता है 5 से ज़्यादा हो, पर 5 लग रहा है, ठीक है। और इसमें आप देखें क्या है यहाँ पर, तो इसमें आपको मिल जाएगा देखने के लिए यहाँ पर एक रिमोट। और इसी रिमोट, ये सबसे मेन है दोस्तों, क्योंकि इसी रिमोट से आप अपने एंगल को सेट करोगे, इसी रिमोट से आप प्रीसेट करोगे, इसी रिमोट से आप जूम इन जूम आउट करोगे। सो बेसिकली आप अपने एंगल को यहाँ से सेव भी कर सकते हो, जैसे 1, 2, 3 ये डायरेक्ट है, और जैसे आपने करीबन 222 एंगल बोले गए थे आई थिंक वीडियो में, अभी मुझे पता नहीं इतने कर सकते हैं। जैसे सपोज 220 पे भी मैं इस एंगल को सेट कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा एंगल चाहिए। जैसे मैंने एंगल 3 पे सेट किया, 3 दबाऊंगा तो ये पर्टिकुलर किसी एक डिस्टेंस में एक एरिया में सेट हो जाएगा। तो ये प्रीसेट यहाँ पर दिया हुआ है, कैमरा सेलेक्ट आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और बाकी और इसकी फंक्शनलिटी देखेंगे, बैकलाइट यहाँ से आप कर सकते हो, बैकलाइट बढ़ा घटा सकते हो, और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो ये हम देखेंगे, काफ़ी अच्छा है। तो रिमोट भी अच्छा है, और इसके साथ और कुछ केबल है, 3.0 USB केबल और एक HDMI केबल। सो ये केबल यूज़ होती होगी पैनल में। सो अब देखें पैनल, ये केबल यूज़ होती होगी कैमरे में, ये बहुत अच्छी बात है। तो अब ये हो गया, हाँ जी, तो ये हो गया आपका मेन प्रोडक्ट। तो ये हटा लीजिए ज़रा नीचे से, ये हो गया। अच्छा देखिए इसकी पैकिंग कितनी बढ़िया की हुई है, आप नोटिस करो, देखिए चारों तरफ से ढका हुआ है, हाँ। तो इसको कितना भी पटको, कहीं से भी पटको, तो मुझे नहीं लगता कि इसको कुछ होने वाला है। क्यों? बराबर है, ये कैमरे की पैकिंग ऐसी होनी चाहिए। तो चलिए खोल देते हैं कैमरा, और ये खुल गया है, और ये खोलते इधर से। सो फाइनली वी हैव 4K और 12X
फोर या बोलू 12x4K ऑप्टिकल जूम। वी हैव फाइनली 12x4K ऑप्टिकल जूम कैमरा जो 60 फ्रेम पर सेकंड पे जूम करता है, 60 फ्रेम पर सेकंड पे वीडियो रिकॉर्ड करता है 4K में, प्लस क्लियरिटी एनी डिस्टेंस। और सर ये इतना बेहतर कैमरा है कि मैं बता नहीं सकता। थोड़ा सा यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आपको कुछ पोर्ट आपको मिलते हैं, ऐसे लैन पोर्ट आपको मिलता है, यहाँ पर दो और अलग से पोर्ट मिलते हैं जो इसके साथ में केबल पे आए हैं। तो ये हम देखेंगे कि ये पोर्ट किसके लिए यूज होते हैं, अभी हमें बिल्कुल पता नहीं है और ना ही हम अभी कुछ आपको गलत बताना चाहते हैं। और ये HDMI पोर्ट है, यहाँ पे साउंड का पोर्ट है, ये जैसे USB 3.0 का पोर्ट है, और यहाँ से DC इसको पावर करने का, और ये इसको ऑन ऑफ करने का पोर्ट है। तो ये वाले पोर्ट भी हम समझेंगे इसके साथ में क्या है। और ये जो कैमरा आपको मिलेगा ये बेंचमार्क का कैमरा मिलेगा, और क्वालिटी तो भाई गजब की है, ट्रू क्वालिटी। सच बताऊं मजा आ गया इस कैमरे को हाथ में पकड़ के, और इस कैमरे को अब हम सेटअप भी करेंगे। बट अभी सेटअप करके क्या कर लेंगे, क्योंकि पैनल है नहीं है, पैनल बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आप पैनल परचेस करना चाहते हैं तो जडेस मलिक सर को कॉल लगाओ, नंबर आपको मिल रहा होगा। और जितनी जल्दी हो सके ये कैमरा, अगर आप एक टीचर हो, अगर आप एक ट्रूली टीचर हो, अगर आप अपने टीचिंग को एक्सप्लोर करना जानते हो, अगर आप अपनी टीचिंग को उभारना जानते हो, अगर आप जानते हो कि आप एक टीचर किस तरह से दुनिया बदल सकता है, सो आइए चलिए बदलते हैं दुनिया को इस कैमरे के साथ।